आज हम बात करने वाले हैं आशिकी फिल्म के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दीपक तिजोरी के VHS कैसेट से निकली महेश भट्ट की आशिकी, पूजा भट्ट ने ठुकराई फिल्म। कभी देश की सबसे बड़ी संगीत कंपनी बनाने में कामयाब रहे टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार ने 80 के दशक में आखिर में एक प्रयोग किया था गानों के एल्बम निकालने का, और गाने हिट हो जाने पर उन्हें एक कहानी में पिरोकर VHS फिल्म बना देने का। लाल दुपट्टा मलमल का और जीना तेरी गली में ये प्रयोग सुपरहिट रहा। फिल्म आशिकी भी ऐसे ही बनी। इसके सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, एल्बम बाजार में आ चुकी थी। निर्देशक महेश भट्ट ने ये गाना सुने तो उन्होंने इन गानों पर भी एक फिल्म बनाने के लिए गुलशन कुमार के सामने जिद की। महेश भट्ट को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कानसेन कहा जाता है। कुछ अपने पिता की विरासत और कुछ देश विदेश के संगीत से उनका लगाव। महेश भट्ट ने हिंदी सिनेमा के संगीत को भी काफी कुछ अपने करियर की सफल दौर में व्यक्त किया है। महेश भट्ट ने जब ये गाने सुने थे तो उन्होंने अपने प्रेम कहानी याद आने लगी। बस उन्होंने तय कर लिया कि इन गानों को पिरोते हुए ये लव स्टोरी वह खुद लिखेंगे और इसे निर्देशित भी करेंगे। महज 26 साल की उम्र में पहली फिल्म मंजिलें और भी हैं निर्देशित करने वाले महेश ने अपने इसके बाद लहू के दो रंग, अर्थ, जन्म और सारांश जैसी कई चर्चित फिल्में बनाई। लेकिन कमर्शियल सिनेमा में महेश भट्ट को पहली कामयाबी मिली 1990 में 17 अगस्त को रिलीज हुई आशिकी से। आशिकी उस दौर की फिल्म है जब सलमान खान नाम के एक नए लड़के ने एक नई लड़की भाग्यश्री के साथ दोस्ती करके बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी थी। किसी को तब इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सलमान खान किसी बड़े राइटर सलीम खान के बेटे हैं या वो हिंदी सिनेमा में वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म के निर्देशक सूरज बड़जात्या भी फिल्मी परिवार से ही थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। तब सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था, उसकी अंदरूनी रियासत से लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं होता था। खैर, आशिकी बनी और रिलीज हुई। रिलीज हुई तो सारे रिकॉर्ड एक तरफ और आशिकी के बनाए रिकॉर्ड एक तरफ। एक वक्त ऐसा भी आया कि इन कैसेट्स की बिक्री की तादाद 1 करोड़ से ऊपर निकल गई। आशिकी का संगीत टी सीरीज का नहीं, देश का संगीत हो चुका था। ये उन दिनों की बात है जब तक नदीम श्रवण का गुलशन कुमार से पंगा नहीं हुआ था। दोनों टी सीरीज के लिए लगातार काम भी कर रहे थे। फिल्म ने अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी तहलका मचाया था। बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, यानी फिल्म संगीत से जुड़ी चारों कैटेगरी के पुरस्कार फिल्म आशिकी ने ही जीत लिए थे। ये पुरस्कार मिले नदीम श्रवण, समीर कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल को। फिल्म आशिकी के लिए कुल 12 गाने गुलशन कुमार ने निकाल कर एक तरफ रखे थे। हालांकि इनमें से प्रयोग 9 ही हुए। इनमें से एक गाना उदित नारायण ने और एक गाना नितिन मुकेश ने भी गाया था। नितिन मुकेश का नाम फिल्म के एंड क्रिएटर्स के गायक के तौर पर आता है, हालांकि उनका गाया गाना फिल्म में नहीं है। नदीम श्रवण उन दिनों पाकिस्तान के गानों से काफी प्रभावित हुआ करते थे। इस फिल्म के 1-2 गाने ने भी इनकी झलक दिखती है। महेश भट्ट की फिल्म मेकिंग की खासियत यही रही है कि वो अपनी फिल्मों को अपनी निजी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उसे प्रचारित करते रहे हैं। फिल्म आशिकी को भी महेश भट्ट अपनी और अपनी पत्नी लॉरेन ब्राइट किरण भट्ट की कहानी बताते हैं। फिल्म में दिखाए गए तमाम सीन भी महेश भट्ट के मुताबिक उनकी असल जिंदगी से प्रेरित रहे हैं। हालांकि फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले दीपक तिजोरी का कहना रहा है कि यह इस फिल्म का मूल आइडिया उनका सुझाया हुआ है और इसके लिए एक विदेशी फिल्म का VHS कैसेट भी उन्होंने महेश भट्ट को ही दिया था। दीपक तिजोरी ने जब फिल्म के लिए लीड हीरो का किरदार करने के लिए महेश भट्ट की काफी सेवा की थी। हालांकि मौका दीपक को फिल्म में सेकंड लीड का ही मिला, फिर भी इस फिल्म ने उनकी किस्मत चमका दी थी। लेकिन असल मायने में अगर किसी की किस्मत फिल्म आशिकी से चमकी
तो वो थे राहुल रॉय। उनकी माँ से मिलने गए महेश भट्ट बेटे को फिल्म के लिए सेलेक्ट करके लौटे थे। राहुल रॉय की माँ इंदिरा उन दिनों यूनिसेफ के लिए काम करती थी और उनके सामाजिक कार्यों से खुश होकर मशहूर पत्रिका सेवी ने उन पर एक खास स्टोरी भी कवर की थी। महेश भट्ट इसी बात की बधाई देने उनके घर गए थे और वहाँ उनकी नज़र पड़ गई राहुल रॉय पर। राहुल रॉय के लिए तो ये फीलिंग ऐसी थी जैसे कोई उनके लिए आसमान से तारे तोड़ लाया हो। उन्होंने ना स्क्रिप्ट पढ़ी ना कहानी पूछी, बस फिल्म साइन कर ली। साल भर के अंदर एक साथ 50 फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड भी राहुल रॉय ने आशिकी रिलीज होने के साथ बनाया था। ये और बात है कि तभी फिल्म निर्माताओं की संस्था ने एक बैठक कर ये नियम बना दिया था कि कोई हीरो एक साथ 12 फिल्मों से ज़्यादा फिल्में साइन नहीं कर सकता, लिहाजा राहुल को बाकी सारी फिल्मों से साइनिंग अमाउंट वापस करने पड़े। राहुल तब विशेष फिल्मों के लिए साथ करार करने में बंधे थे, लिहाजा उन्होंने महेश भट्ट की अगली फिल्म जानम और जुनून भी करनी पड़ी। महेश भट्ट ने आशिकी में जो कमाया था वो सब इन दोनों फिल्मों में गवा दिया। राहुल रॉय का उन दिनों क्रेज हुआ करता था, युवाओं ने उनके जैसे बाल भी रखने शुरू कर दिए थे, लेकिन साल भर के भीतर ये सब हवा हो गया। एक खास बात यहाँ और बताने के लायक है कि ये वो फिल्म है जिसमें आशिकी में राहुल रॉय की अपनी आवाज़ नहीं है। पहले इस काम के लिए भट्ट ब्रदर्स ने सचिन को साइन किया था, लेकिन बाद में ये काम महेश भट्ट के काफ़ी करीबी रहे अभिनेता आदित्य पंचोली ने किया। तो ये रही फिल्म आशिकी में राहुल रॉय और दीपक तिजोरी के आने की बात। अब किस्सा उस रात का है जब इनकी हीरोइन को महेश भट्ट ने एक पार्टी में देखा। महेश भट्ट को नए टैलेंट को मौका देने का खास लगाव लगा रहता है। फिल्म आशिकी की हीरोइन अनु अग्रवाल से जब महेश भट्ट पहली बार मिले और उन्हें फिल्म देने का ऑफर दिया, तो अनु अग्रवाल को महेश भट्ट के इस ऑफर में दम नहीं दिखा। अनु ने इसके लिए इनकार कर दिया, लेकिन महेश भट्ट के दिमाग से अनु अग्रवाल निकली नहीं। उन्होंने कुछ हफ्ते बाद फिर उन्हें फ़ोन किया। इस बार अनु उनके दफ्तर आई, कहानी सुनी और फिल्म के लिए हाँ कर दी। अनु अग्रवाल और राहुल रॉय दोनों का चेहरा मोहरा ऐसा नहीं था कि लोग उन्हें देखने के लिए टूट पड़े, इसलिए फिल्म के पोस्टर में दोनों का चेहरा है भी नहीं। वैसे इस फिल्म के लिए महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को ही हीरोइन बनाना चाहते थे, पर वो मानी नहीं। ये और बात है कि फिल्म की शूटिंग के पहले दिन पूजा ने इसका क्लैप दिया था, तो उन्हें समझ आ गया था कि उनसे गलती हो चुकी है। फिल्म आशिकी के कामयाब होने में इनके दोनों लीड कलाकारों की मासूमियत ने तो बड़ा हाथ निभाया है। इसके संगीत ने फिल्म को रिलीज होने से पहले ही हिट कर दिया था। महेश भट्ट ने फिल्म में युवा प्रेमी जोड़े की भावनाएं कैमरे में कैद करने में सफलता हासिल कर ली और फिल्म जहां भी कमज़ोर होने लगती है वहां दीपक तिजोरी का किरदार आकर उसे एक अलग मोड़ दे देता है। फिल्म में सहायक कलाकारों की एक लंबी फौज भी दिखी और उसमें वीरेंद्र सक्सेना से लेकर होमी वाडिया, रीमा लागू, अवतार गेल, टॉम अल्टर ने लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। फिल्म में एक छोटा सा रोल गायक कुमार शानू ने भी निभाया है, जो इस फिल्म के बाद रातों रात देश के लिए नए सिंगिंग सेंसेशन बन गए। तो ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए हम विदा चाहेंगे, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।